हे गाइस, आई एम नॉट श्योर मैं ये व्लॉग क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन में तो जगह बची नहीं है। और आज है ना, मुझे गंदा वाला जुकाम हो गया। आज बाय द वे फ्राइडे है और कल है सैटरडे और संडे। सो सैटरडे की मेरी छुट्टी है बिकॉज इट्स गणेश चतुर्थी। सो हैप्पी गणेश चतुर्थी इफ़ यू आर वॉचिंग। आई नो ये व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लेट आएगा, बट आज है ना मेरी बिल्कुल हालत ख़राब है, मतलब गंदा वाला जुकाम हो गया, बट मेरी बॉडी में एनर्जी है। सो आई जस्ट थॉट कि जिम जाएंगे, पसीना बहाएंगे तो शायद जिम ठीक हो जाएगा। लेट्स गो, देखते हैं कितना कर पाते। नहीं हुआ तो घर के बाजू में मैं घर वापस आ जाऊँ। और 6 बजे ही जा रहा हूँ क्योंकि क्राउड भी नहीं होगा और मेरे पास ऐसा सच करने के लिए कुछ काम भी नहीं है। बाल इग्नोर करना क्योंकि मैं अभी सो के उठा। A few moments later. Hey guys, ऐसा नहीं है कि मैं जिम करके आ चुका हूँ। आज जिम एक्चुअली बंद है, 1 हफ्ते की छुट्टी है। और कल मैं गया नहीं था इसलिए मेरे को इन्फॉर्म नहीं किया। वॉट एवर, और मैं जाके सो रहा हूँ क्योंकि एनीवे जिम तो जाना नहीं है, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। लेटर दैट सेम इवनिंग, आई एम फीलिंग अ लिटिल बेटर। तो अभी मैं रिलायंस आया था कुछ ग्रॉसरी वगैरह का सामान लेने के लिए। मेरा ना पानीपुरी खाने का मन कर रहा था, मैंने वो खा लिया। पता नहीं कोल्ड में ऐसा क्यों होता है कि कुछ स्पाइसी खाने का मन करता है ना। अब हम थोड़ा सा सामान ले लेते हैं, फ्रूट्स वगैरह, और क्योंकि जिम में जाता हूँ ना प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, बिस्किट वगैरह ले लेते हैं फिर घर चलते हैं। सो गाइस, वी आर बैक होम और मैं एक क्लिप डालूंगा। आप ये देखना कि इतनी बड़ी ब्रांड है ग्रॉसरी शॉप्स की और ये लोग इतने ज़्यादा केयरलेस है हाइजीन के मामले में, तो हम लोकल शॉप्स वालों से तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे। मैं ब्रांड का नाम रिवील नहीं करना चाहता, फिर खामा का ये जो इस ब्रांच में इनके स्टाफ को गालियाँ पड़ेंगी। और ऑलरेडी एक ही स्टाफ था बिलिंग काउंटर पर, इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। नेवर माइंड, वी शुड लेट गो ऑफ थिंग्स समटाइम्स। और मैं ये बिस्किट लेके आया हूँ, नॉट स्पॉन्सर्ड बट आई रियली लाइक दिस। और ये चॉकलेट फ्लेवर भी है। सो मैं स्पाइसी पानीपुरी खा के आ चुका हूँ और अब मेरे को कुछ मीठा खाना है। लेट्स हैव दिस। और अब मैं ना रेस्ट करने वाला हूँ अपने ब्लैंकेट के अंदर, क्योंकि जितना ज़्यादा रेस्ट करूँगा उतना जल्दी ठीक हो जाऊँगा। एनीवे कल छुट्टी है तो रेस्ट इन द सेंस मैं ब्लैंकेट के अंदर बैठ के मैं व्लॉग एडिट करूँगा, नॉट जस्ट दैट आई वॉच समथिंग। आई माइट ऑन द लैपटॉप एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली आई वुड एडिट माई व्लॉग। मैं भी चीज में इंग्लिश के बोलने लग जाता हूँ। अभी चलिए, हाथ दुखने लग गया, बाय गाइस, अब मैं आपको कल मिलता हूँ। द नेक्स्ट डे, हे गाइस, फर्स्टली इट्स सैटरडे एंड इट्स गणेश चतुर्थी, सो हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। सेकेंड थिंग, कल मैंने थोड़ा बहुत व्लॉग बनाया था ये बोल के कि मुझे जुकाम हो गया, बट इवेंचुअली रात रात में पता नहीं वो जुकाम फीवर में कन्वर्ट हो गया। ये व्लॉग मैं इसलिए बना रहा हूँ जस्ट टू शो यू द रियलिटी ऑफ कॉन्टेंट क्रिएशन। सी, अभी तक मैं पैसे नहीं बनाता हूँ, आई डोंट इवन मेक पीनट्स, और मे बी 1-2 पीनट्स, मतलब बहुत 1-2 हज़ार ही कमाता हूँ मुश्किल से, वो भी इट्स नॉट कंटिन्यूस, ठीक है। और फिर भी अगर मैंने कोई कमिटमेंट कर दी कि ठीक है मैं आपकी आके आपकी वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि यू नो ब्रांड्स बहुत कम अप्रोच करते हैं छोटे छोटे क्रिएटर्स को, और जब करते हैं तो इट्स आर ड्यूटी कि हम उनके डिमांड को फुलफ़िल करें। डजेंट मैटर इफ़ दे आर पेइंग और नॉट, इफ़ दे आर कमिंग एंड अप्रोचिंग यू, दैट्स अ बिग थिंग। सो आज एक ब्रांड है, मैं उसका नाम वगैरह नहीं लेना चाहूँगा बिकॉज माई यूट्यूब इज़ नॉट मोनिटाइज एंड आई एम नॉट सपोज टू स्पॉन्सर एनीथिंग अंटिल इट बिकम्स मोनिटाइज। आज एक इंस्टाग्राम के एड शूट करने के लिए जा रहा हूँ मैं, जिसका ये काइंड ऑफ मेरी 2 साल की जर्नी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। डजेंट मैटर मुझे बुखार है कि नहीं, मेरा गला ख़राब है कि नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा। मेरे घर से सो आप लोगों ने सुना होगा मॉल ऑफ एशिया विच इज़ द न्यूएस्ट द बिगेस्ट द लग्जूरियस मॉल इन बैंगलोर इन विच इज़ रिसेंटली ओपन। इट इज़ समवेयर नियर येलहंका, एयरपोर्ट के बहुत पास में है बट मेरे घर से 1 घंटे की दूरी पे। सो मी एंड माई सिस्टर आर गोइंग। आज के ना 3 से 4 काम है, मैं यहाँ पे लिस्ट कर दूंगा। पहला मैं लिखो मॉल में जाके आर्ट शूट करना है। सेकेंड थिंग, मेरे को मेरे फ्रेंड के साथ उसकी कंपनी में जाना है बिकॉज ही वॉन्ट्स टू डू हिज स्टडी। थर्ड वन, हैव टू गो टू चर्च स्ट्रीट टू फाइंड माई कंपनी, क्योंकि ही इज़ लकी इनफ उसको मिल गई है बट आई स्टिल हैवंट फाउंड एनी। और ऐसे ही कंटिन्यूस काम होते रहेंगे। नाउ इट्स ऑलमोस्ट 10 o'clock एंड 11:30-12 का उन्होंने मेरे को टाइम दिया टू गो एंड शूट द वीडियो। सो नाउ आई विल गो एंड टेक शावर एंड देन प्रोबेबली विल लीव। सो लेट्स गो। आई होप आपको द सिनारियो समझ में आ गया होगा कि आज कैसा क्या डे होने वाला है। तो इट्स गणेश चतुर्थी, दिस इज़ हाउ माई डे इज़ गोना गो। अब मैं नहा के आता हूँ।
गाइस आई एम ऑल सेट। मैंने बैग ले लिया क्योंकि इसमें चार्जर, पावर बैंक, माइक, ट्राइपॉड, पता नहीं क्या क्या सामान है। और चश्मा मैंने इसलिए पहना है क्योंकि स्कूटी पे जा रहे हैं तो डस्ट वगैरह आएगा, इसलिए। नाउ लेट्स गो। एक्चुअली हमें 11 बजे वहाँ पे पहुँचना था, हम 11 बजे निकल रहे हैं, हम एक घंटा लेट है, बट कोई नहीं, चलता है क्योंकि मैंने 12 से 1 का बोला था उनको। और मैंने आउटफिट ये पहना है, चप्पल जूते पहने ब्लू वाले, जीन्स। मैंने गेट रेडी विद मी भी शूट किया, आप वो भी जाके देख लेना। बाय गाइस। सो गाइस हम लोग मॉल ऑफ एशिया पहुंचे। टस्ट में यहाँ पे ना स्कूटी बाइक से आ जाओ, आपको 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगी। हम लोग है ना, यार मेरी घड़ी चार्ज नहीं है। हम लोग निकले थे करीबन 11 बजे और 11:20-25 हो रहे हैं, हम पहुंच भी गए हैं। ऑटो और ऊबर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है, एंड एट द सेम टाइम बसेस में आपको 2-3 बस चेंज करनी पड़ेगी। कम इन रैपिडो और बाइक और समथिंग, इट इज़ वेरी कन्वीनियंट। नाउ लेट्स गो अप एंड फाइंड आउट। आज सैटरडे है इसलिए मॉल ऑलमोस्ट पार्किंग तो पूरी हो ही गई है, इमेजिन करो संडे को क्या हाल होगा। वैसे आज गणेश चतुर्थी है तो इसलिए सबकी छुट्टी है। हेल्थ वाइज आई एम फीलिंग अ लिटिल बेटर, नॉट ग्रेट बट अ लिटिल बेटर। मैंने अपना बैग कैरी किया भैया, लेट्स गो। ये तो सच में बहुत ज़्यादा सुंदर है। जब मैं लास्ट टाइम आया था ना तो यहाँ पे बहुत कम ही शॉप्स वगैरह खुली थी, और अब तो इट्स लाइक ओ माय गॉड, ये तो पूरा भरा हुआ है। अब हमें ढूंढनी पड़ेगी जो कंपनी जहाँ पे मैं जाके वीडियो बनाने वाला हूँ, आई हैव टू फाइंड आउट कि वो कहाँ पे है, एंड उसके बाद हम अपनी फ़ोटोशूट वगैरह करेंगे। लेट्स गो। बहुत सुंदर, हम आपको दिखाता हूँ। लिटरली बहुत बड़ा मॉल है, यहाँ पे है ना मैप्स निकालने पड़ेंगे। One eternity later. एक्सपीरियंस कर सकते हो, ऐसे मैं बता नहीं सकता। लगता है हम ना मूवी वाले सेक्शन में आ गए, हमें आना तो फूड कोर्ट में था, बट कोई नहीं, घूम लेंगे, हमारा क्या ही जा रहा है। लेट्स गो। अब है ना मेरा गला ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होने लग गया, और लोग तो ऐसे देख रहे हैं जैसे ये पता नहीं कौन सा सेलिब्रिटी आ गया। ऑनेस्टली मेरे को यही वाइब चाहिए थी, बस एक्चुअली ऑर्डर किसी और का था बट वो कलेक्ट करने नहीं आए, तो हमने बोला कि हम ले लेंगे, आप प्लीज़ पेमेंट कर लो और हमें जल्दी से जल्दी दे दो। लेट्स हैव इट। मेरा फ़ोन है ना बस 8% चार्ज बचा है, किसी भी वक्त स्विच ऑफ हो सकता है, मैं चार्जिंग पॉइंट ढूंढ रहा हूँ, मिल जाए तो। तो गाइस हम लोगों ने पिज़्ज़ा खा लिया, अब थोड़ी भूख कम हो गई है, और मैं फ़ोन चार्ज कर रहा हूँ, 20% हो गया। लकीली मुझे एक चार्जिंग पॉइंट मिल गया। जो पावर बैंक मैं ना घर से लेके आया था वो साला चार्ज ही नहीं है, वो खुद डिस्चार्ज पड़ा है। तो अभी फ़ोन चार्ज करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 40%, फिर निकलते हैं यहाँ से। हे गाइस, तो मैं घर पे आ चुका हूँ, मतलब आधे घंटा हो गया, मैंने कॉफ़ी पी ली है, एक बुखार की टैबलेट ले ली है,
क्योंकि बुखार आ गई थी। अब हम चलते हैं जयनगर कंपनी में फ्रेंड के साथ, क्योंकि उसका एक घंटे का काम करना है। फिर हम जाएंगे चर्च स्ट्रीट, क्योंकि मुझे अपनी कंपनी ढूंढनी है। और फ़ोन मैंने 50% चार्ज कर लिया है। अब बैग लेते हैं, चलते हैं। एक घंटे बाद तुझे लेने आ जाएंगे हम, ठीक है? गाइस, हम लोगों ने आशीष को छोड़ दिया कंपनी में। एक घंटा काम करेगा वो, कुछ तो काम करे। और हम लोग तब तक जयनगर घूम रहे हैं। फर्स्ट वी आर लुकिंग फॉर अ फोन शॉप, फोन के एक्सेसरी शॉप, ताकि वी कैन गेट अ स्क्रीन प्रोटेक्टर। एंड फिर हम कुछ खाएंगे। अंटिल देन एक घंटा हो जाएगा, देन विल गो टू चोर। यहाँ पे जाके देखते हैं कुछ है तो। सैमसंग का लगाया स्क्रीन प्रोटेक्टर, आईफोन का रखा हुआ है। कैसा लग रहा था? मैंने बोला था कि सैमसंग मत लो। अच्छा गाइस, अगर आपको यहाँ से प्रोटेक्टर लगाना, आईफोन ही लेना। सैमसंग बेस्ट है। बाय गाइस। और सैमसंग लेट्स चेक इट आउट। यहाँ पे है एक दो घंटे के चलने के बाद हमें एक शॉप तो मिली, जहाँ पे फ़ोन के एक्सेसरीज वगैरह है। जब जल्दी जल्दी लाइक शेयर करो, फिर मैं ना इससे ऐसे एक गोप्रो खरीदूँगा। दिस इज़ गुड एक्चुअली, बहुत कॉम्पैक्ट है, मस्त है। बट गाइस, ये पीछे वाली दुकान में आए थे, मैं झूठ नहीं बोल रहा, लूट मचा के रखी है। छोटी छोटी चीज़ें जो आपको लोकल मार्केट में 150 में मिल जाएंगे, यहाँ पे 1500 में मिल रहे हैं। ट्राईपॉड 3000 का, भैया 4000 में तो मैंने 7 फिट की रिंग लाइट ले ली थी। इट्स वेरी एक्सपेंसिव। जस्ट बिकॉज एरिया जयनगर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी यहाँ पे रिच लोग ही आएंगे। हमारे जैसे मिडिल क्लास भी आते हैं। सैमसंग का ओरिजिनल प्रोटेक्टर 1900 का है, और ये लोग कोई लोकल बेच रहे हैं कितने में? 700 का। हम तो लगाएंगे 150 वाला। वी आर लुकिंग फॉर 150 वाला, क्योंकि एनी वे आप कितना भी महंगे से महंगा लगा लो, वो टूटेगा, पक्का टूटेगा। कोई भी 100% का गारंटी नहीं देता है कि ग्लास पे स्क्रैच वगैरह नहीं आएगा, तो हम इतना महंगा लगा के क्या करें। गाइस, मॉडर्न गन्ने की शॉप, लेकिन मॉडर्न है। वहाँ पे भी है एक वो रहा, बट यहाँ पे हाइजीन फॉलो होता है। अंकल बहुत स्वीट है, आप भी आके पी लेना। अंकल हाई है नहीं ब्लॉग में। 20 का एक ग्लास है, जयनगर मेट्रो के बिल्कुल पास है। हेल्दी हेल्दी। अरे भाई, मैं तो है ना, हम कितने किलोमीटर चले हैं तेरी वॉच में देख। जस्ट पुट जयनगर मेट्रो नी और फोन नो देखने देख। और बाय द वे, ये शूज बिल्कुल भी कंफर्ट के लिए नहीं बने। मैं अगर 2.5 किलो का हूँ तो 200 ग्राम तो इन शूज का ही वजन है। प्लीज डोंट कम, डोंट वेयर दिस शूज, दिस इज नॉट फॉर कम्फर्ट, दिस इज जस्ट फॉर स्टाइलिंग। फोटोज अच्छे आएंगे, वीडियोज अच्छे आएंगे। जयानगर में ऐसा लग रहा है कि आतंकवादियों ने हमला कर दिया, सारा जयनगर सुना पड़ा है। एक दो गाड़ियाँ आ रही है, बट यार यहाँ का मार्केट पूरा खाली पड़ा है, और एक भी फ़ोन की शॉप। अब हम जाएंगे चर्च स्ट्रीट, एक्चुअल मज़ा वहाँ पे आएगा, जो क्राउड आप देखोगे ना। चल जाते थे, मैं तो फुटपाथ पे बैठ गया, मुझसे नहीं चला जा। किधर आशीष की तरह आगे चल। तो मेरी कमजोरी का फायदा उठा रहा। That's wrong. चल उठा ले। मैं जिम जाता हूँ।
हाँ तेरा एक मिला के मेरे दोनों है, बात तो एक ही है